नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना भाई सूर्या। एक ऐसी लोकेशन पर हम दोनों भाई जा रहे हैं आज। आज मेरे साथ में जो है यहीं के लोकल पर्सन है। जो घटना यहाँ हुई थी हमारे साथ में, यहाँ जिस इंसान को हमने देखा था यहाँ पे, जो पागलों की तरह बिहेव करता है, जिससे गांव वाले परेशान हैं और जो गाँव वालों से परेशान है, उसके बारे में भाई ने हमें बताया कि उसका ऐसा होने का रीज़न जो है वो क्या था। वो सुनने के बाद में हमारे भी होश उड़ गए। ये जो भाई आप मेरे साथ में देख रहे हो आज, ये यहीं के लोकल पर्सन है जिन्होंने वो बात बताई थी हमें। तब हमने पूछा ना इसके बारे में, जानने की जब कोशिश करी कि ये ऐसा क्यों है, तो इन्होंने जो है हमें ये बात बताई थी। तो सबसे पहले तो भाई आपका शुक्रिया जो आपने हमारे साथ में आने के लिए बोला। जो इन्होंने बात कही थी कि इस इंसान का ऐसा होना क्यों ज़रूरी था, या क्यों ऐसा हो गया ये, या ऐसा क्यों बिहेव करने लग गया, उसके पीछे की कहानी है। ये जो इंसान है यहाँ पे, ये तैयारी कर रहा था आर्मी की। भाई आप लोगों को पता है जो आर्मी का जुनून होता है, जो जवान बनने का जो जुनून होता है ना इंसान में, वो इंसान को वास्तव में पागल कर देता है। और पागलों की तरह इंसान मेहनत करता है उसके लिए। आज ये जो इंसान ऐसी हालत में है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से। इस इंसान ने बहुत बार, मतलब आर्मी की जो है इतनी ज़्यादा भर्तियाँ जो देखी है इसने, और उसके बाद में इसने रनिंग क्लियर कर ली थी। हर बार ये रनिंग में एक्सीलेंट होता था, लेकिन एक चीज़ जो रह जाती थी वो थी रिटर्न एग्ज़ाम, या कहीं ना कहीं इसको पॉइंट में निकाल दिया जाता था, कहीं कान में, कहीं नाक में, और कहीं ऐसी जगह प्राइवेट जहाँ पे पॉइंट निकाले जाते हैं आर्मी के अंदर, जो रहने नहीं चाहिए, कमियाँ नहीं रहनी चाहिए उस जवान में। तो बस यही कुछ कमियों की वजह से जो है इसको निकाल दिया जाता था हर बार। पर इसकी जो रनिंग थी भाई, वो एक्सीलेंट हुआ करती थी हर बार। बस यही है कि ये आर्मी में जो है नहीं हो पाया सिलेक्शन इसका, इस वजह से जो है ये पागल हो गया और आज जो है ऐसी ज़िंदगी जी रहा है। हम जो है बस अपने आप को बचाने के लिए ये छोटा मोटा साधन लिया है हमने, कि थोड़ी सी आग रहेगी तो हो सकता है कि इससे या बाकी और कोई जंगली जानवर, क्योंकि ये जो है अभाव हो चुका है इन सारी जंगली जानवरों के, इसके उसके किसी के भी, इस जगह पे जो खतरा है वो है जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा। भाई इस इंसान का इतना ज़्यादा खतरा नहीं लग रहा मुझे, आज कसम खा के बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा खतरा नहीं लग रहा है। कैमरे पे वही मेरे आनंद भाई है जो मेरी सेफ्टी या सुरक्षा का एक प्लस पॉइंट है। अगर ये होते ना तो बहुत ज़्यादा सेफ फील करता हूँ भाई। आप लोगों की डिमांड आ रही है कि भाई आनंद भाई को सामने लाओ, लेकिन वक्त आने दो भाई, आनंद भाई को भी सामने लाया जाएगा। आनंद भाई, आपको ये जब कहानी सुनाई गई थी, ये जब पता चला था भाई के जरिए, तब आपको क्या फील हुआ था इसके लिए? फील तो क्या है यार, नहीं ये क्या बोलूं मैं यार, मतलब वर्ड्स नहीं होते भाई कि किसी के इंसान का जुनून जो है इस कदर होता है और उसके बाद में इंसान वो हासिल नहीं कर पाता, उसके बाद पागल हो जाता है। वही ना, बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, कितने सालों से मेहनत कर रहा है वो, कंटिन्यूस भाई कंटिन्यूस मेहनत करी। कोई बंदा मेहनत करता है फिर वो माइंड फेल हो जाता है ना भाई। बिल्कुल भाई, ये चीज होती है भाई। माचिस है ना आपके पास? ठीक है सूर्या भाई, चलो भाई चलो। भाई ये मचाल नहीं बोल सकते, पर हाँ छोटा मोटा जो है हमारा आग जलाने के लिए हमने तैयार कर लिया, व्यवस्था कर ली है। बस इसी के जरिए जो है हम सेफ रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा गलत है, मैं मानता हूँ इस चीज को, पर वो इंसान गलत नहीं है, बस इतना समझ। परेशान है ना? हाँ, इसलिए करता है वो। मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि इंसान किसी चीज को हद से ज्यादा जुनून लेकर के पाने की कोशिश करता है ना, तब उसके साथ में यही होता है। यही रोक लूँ क्या गाड़ी? थोड़ी से आगे रोक लेते, मुझे पता है वो आएगा तो सही भाई सामने, कसम खा के बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये गाड़ी यहाँ नहीं लगाएंगे, गाड़ी तो लेके चलेंगे भाई अपन, इन मशाल को जलाने की तैयारी करिए, मतलब ये जो है ना अपना आग जलाने का, इसको बुझाने की तैयारी कर, इसको जलाने की तैयारी कर ले। मैं एक बार माचिस दे दो आप। हाथ में रखना आप, और अपने आप को सेफ रखना, जला मत लेना भाई, है ना?
भैया जलाना जरूरी है हमारे लिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा जरूरी है, ये जल जाना चाहिए बस। भाई आ जाओ जल्दी, आ जाओ बैठ जाओ, सेम रहना, बजट को साइड पर रखना दूर ताकि अपने भी साथ ठीक है भाई। चलो सी जाओ चले, जगह आ चुकी है आनंद भाई, अब शायद वो यही कहीं है। आनंद 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 रे भाई बेटा, इसका देख गले में देख, बोरी बोरी टकर का है यार। अरे भाई दे दे दे, ओए मार ले जा, नहीं ओए 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 दे भाई यार। भाई बच्चे रहना बच्चे रहना बच्चे रहना बच्चे रहना। वो नेक्स्ट वीडियो में देखा था ना अपने हाथ में, वो भी उसके हाथ में, और वो इस चीज को नहीं छोड़ रहा है भाई। हाँ यार वो तो उसके परमात्मा सारी चीजों को छोड़ देता है। गाड़ी पर आगे ही लगाएंगे, ज्यादा पास नहीं लगाएंगे, गाड़ी पर यही लगाते हैं। गाड़ी यहाँ लगा सकते हैं भाई, बच्चे निकल जाएंगे इतना तो पता है अपने को। भाई मेरे को दे दो एक, आप कोई सा दे दो एक। हाँ चाबी ले लूंगा बाइक से, आएगा तो सही होगा, ये तो कंफर्म ही आएगा तो सही। आवाज करने लग गया सूर्य भाई। भाई ये जो इंसान है वो इस तरफ बढ़ रहा है हमारी तरफ, ये जम के गिरने, इस पे ऑयल डाल दूं क्या और थोड़ा सा? वो आएगा जब तक, ऑयल डाल दूंगा इस पे क्या? लकड़ी भी कभी भी खत्म हो सकती है, हमने तो सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए जो हमारे को रास्ते में मिला वो ले लिया था यार। थोड़ा आगे चले गए अपन, भैया पत्थर फेंक रहा है ये। छोड़ता ही नहीं भाई, कभी नहीं छोड़ता। वही तो है उसके हाथ में, देखना क्या चीज है यार, ये समझ में नहीं आ रही है। ओए भाई आप कैमरे पीछे जाओ, कैमरे पीछे जाओ भाई, आनंद भाई इनको पीछे रख लो आप। ओए सूर्य भाई हाथ जोड़ रहा है देख, या भाई ये पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन कर रहा है। भाई वो सेफ है ना पीछे? हाँ हाँ पीछे ही मेरे, ध्यान रखना उनका, उनका ध्यान रखना जरूरी है। देखो आपके साथ जो हुआ वो आपकी गलती नहीं है, आपका जुनून था उस चीज को पाने के लिए, वो आप हासिल नहीं कर पाए इसलिए आपके साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन तो क्या करना चाहते हो आप? सूर्य भाई हो गया, इसके उस हाथ में पत्थर वत्थर कुछ है या छोटा सा, उसको घुमा रहा है यार, बहुत ज्यादा अलग है यार तेरी कसम भाई। सूर्य भाई
देखो गाँव वाले जो आपको टॉर्चर करते हैं वो टॉर्चर करने नहीं आए हम आपको यहाँ पे। आपके साथ में जो हुआ वो हमें पता है, हमें हम खुद बुरा फील कर रहे हैं इसके लिए। आपके हाथ में क्या है ये? मेरे को सींग लग रहा है यार सूर्या भाई। यार सींग किसका सींग निकालेगा? यार किसका सींग निकालेगा? ओए आराम से आराम से। लकड़ी छोड़ के मैंने कहा था ये तू। अब नहीं ये नहीं आएगी वापस। सूर्या भाई एक बार जाना उसके पास में जाओ, मतलब लकड़ी वकड़ी लेके। क्या चाहता है? देखो हम आपकी कदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं हम। आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? और गांव में जो आप बच्चों को परेशान करते हो, उठा लेते हो, उसके बाद बच्चे रोने लग जाते हैं। ओए हट, पकड़ पकड़ इसको, पकड़ 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 इसको। दे भाई इसको डरा थोड़ा सा। आग लगा दे, आग लगा दे इसको सूर्य भाई। पांडा लगा 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 दे, लगा दे इसका, लगा दे। पकड़ लेना सूर्या भाई, पकड़ पकड़ इसको पकड़। ओए सूर्या भाई ओए, ये डब्बा पड़ा है ना सूर्या भाई। हाँ ले 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 ले, भाई आ रहा सूर्या भाई, इधर चल चल चल। सूर्या भाई उधर उधर वो आ रहा, पीछे आ रहा है। ओ भाई वो आ गया। ओए रुक 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 रुक। पकड़ पकड़ सूर्या पकड़। रुक तो रुक 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 रुक। इसके जैसे पागल थोड़ी ना, कम से कम डराए तो सही। नहीं मैंने पहले कहा ये कोई ऐसे वैसे पागल नहीं हुआ है, इसके जुनून की वजह से जो है ऐसे। हम इसके जुनून को देखते हुए इतना ज्यादा ओवर एक्ट नहीं कर रहे यहाँ पे। भाई इसको पकड़ लो आप, आपके पास रखो, ये जरूरत पड़ेगी इसकी वापस। भाई मैं दिल से बोल रहा हूँ, यहाँ बुरा लग रहा है हमारे को कि ऐसे किसी इंसान को हम जो यहाँ आकर परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं चाहते। हम जो ज़रूर से अगर अगली बार हमारा यहाँ आना हुआ और इस इंसान ने हमारे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया तो ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे हम। पर उससे पहले हमारे को ना इसको समझना पड़ेगा, ये हमसे बात नहीं कर रहा है। अगर ये हमसे बात करे, ठीक से रिएक्ट करे
तो हम समझ सकते हैं बातों को, पर ये सिर्फ उसे पीछे पड़ रहा है और पत्थर मार रहा है। इसके हाथ में जो एक अजीब सी चीज है वो नहीं छोड़ रहा, क्या ये इस चीज को नहीं छोड़ रहा है वो। वो जो भाई थे उनको सेफ रखना जरूरी है, इसलिए उनको जो है कि एमरे पे आनंद भाई के साथ में रखा हुआ है। ये ना मेरे पास में खड़े हैं तू भी। हाँ, इस चीज को माइंड मत करना भाई, ये गांव में भी ऐसे ही करता है क्या? हाँ। आ जाओ भाई, ऐसे परेशान करता है सबको? सबको ऐसे ही भाई, ये मशाल पे कभी भी जा सकती है। हाँ सूर्या भाई देख लेना किधर से निकल के आ गया ना, सीधा टिक रहे हो, किधर से भी आ सकता है। सकता है वो चला गया हो सकता है, ये रात में भी यहीं रहता है क्या? यही तो चलने की आवाज आ रही है सूर्या भाई, आवे? चलने की आवाज तो आ रही है, चलने की आवाज आ रही है। हो सकता है वो चला गया हो यहाँ से। ओए सूर्या, ओए सूर्या भाई, ओए पत्थर उठा रहा है, पत्थर नहीं आ रहे भाई। ओए गुस्सा में हो गया, गुस्से में हो गया, गुस्से में हो गया सूर्या भाई। देखो भाई हाथ जोड़ के बोल रहे हैं आप, ऐसी हालत में हो कोई बात नहीं है। हाँ तो हो तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। ओए यार आनंद भाई सेफ है ना तू? हाँ पीछे से दिखा नहीं यार, काटे मुझ गए। अरे यार सेफ रहना भाई, ओए हमने पहले कहा था हम तुझे परेशान करनी है। अच्छा जाना था इसको, ये जो है पागल तो है, लेकिन एक चीज तो हमें ये बोलनी पड़ेगी कि भाई इसका जो रवैया है ना वो हर इंसान को लेकर के ऐसा ही है, क्योंकि ये हारा हुआ इंसान है। आनंद आवाज आ रही है, आवाज आ रही तेरी कसम, देख देख आनंद सूर्या भाई, सूर्या भाई हट हट, ओए ओए सूर्या भाई, ओए सूर्या भाई होश तो सारे इसको यार, सारे काटे को रस्ते से हटा दिया इसको।
मार मेरे को मार। किधर है सूर्या भाई? ओए सूर्या भाई यार, ओए ओए सूर्या भाई खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, हाथ दे, हाथ दे सूर्या भाई, खड़ा हो भाई। नहीं भाई, अरे यार आराम से, आराम सूर्या भाई यार, गया उधर, किधर गया सूर्या भाई? छिप गया। चल चल बाइक स्टार्ट कर यार, वो भैया भी उधर भाग गए थे यार। सूर्या भाई वो देख उधर घूम रहा है यार वो। वापस आए उससे पहले निकल जाए तेरी कसम। तू बाइक स्टार्ट कर, बाइक स्टार्ट कर भाई, बैठ जा बैठ जा। ये लोग भी जान चली जाते भाई, बहुत ज्यादा फुकार तेरी कसम मैडम जी। हां यार अरे फुकार तो उसके हाथ में वो जुआ वो है ना जो, अरे वो नहीं वो मारने के लिए दौड़ा ना, मैं उधर छुपने के लिए ईंटों में गया और वो सीधा निकल गया भाई। हल्की जो लगी वो तो चोट में सहन कर लूंगा, लेकिन अगर वहां वो मेरे को पकड़ लेता ना मेरी हालत खराब थी भाई।